मेरा मीठा खाने का मन है और मेरे यहाँ पे कोई मावा मेवा कुछ नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं झटपट से कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। मेरा बहुत ही मन कर रहा है तो यहाँ पे मैंने किया है घी गरम। घी का जो बचा हुआ हो रहता है ना नीचे का, मैंने वही लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास ये काफ़ी सारा था, मैंने सोचा इसे वेस्ट करने से अच्छा है कुछ कुछ इसी से मीठा बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने ये जितना घी बना था उसके बाकी का बचा हुआ मावे का मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। हमेशा घर में बना करके रखती हूँ और ये खाया भी जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, एकदम दानेदार एकदम मीठा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने ये बचे हुए घी का जो मावा होता है वो लिया है और यहाँ पे मैंने डाली है इसमें चीनी। चीनी और मावे को अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर है इसके मावे का। तो बस इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसमें चीनी ये अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए। जब ये चीनी मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें और चीज़ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ ये दो तीन चीज़ों से मिलकर के बना रही हूँ, आपको जिस हिसाब से पसंद हो आप अपने हिसाब से कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने चीनी को अच्छी तरीके से मिक्स करके और यहाँ पे गैस भी बंद कर दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे एक बार अच्छे तरीके से मिलाएंगे जिससे थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाए। अब हम इसमें डाल लेंगे नींबू का रस, तो मैंने आधे में से भी आधा नींबू लिया है जिसका मैंने रस इस तरीके से निकाल करके डाल दिया है। इससे क्या है बहुत ही अच्छी हमारी स्वीट बन करके तैयार होगी, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये लीजिए मैंने नींबू भी अच्छी तरीके से डाल करके मिक्स कर दिया है। चलिए अब यहाँ पे देखिए मैंने लिया है मिल्क पाउडर, तो मैं इसके अंदर मावे वाला है नहीं, मावा तो है नहीं था तो मैं मावे वाला फ्लेवर देना चाहती हूँ, तो इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया है, आपके पास अगर है तो डाल लीजिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मिठाई अच्छी नहीं लगेगी या बनेगी, नहीं आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास था मिल्क पाउडर तो मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम मैंने बंद करके रखी हुई है, बंद कर दी थी, अभी जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम गैस को ऑन कर देंगे और इसे पका लेंगे। चलिए ये देखिए चलाते हुए बनाना है बिल्कुल, अगर इसे चलाएंगे नहीं तो ये नीचे जल जाएगा, इसमें एक अलग सा कलर आ जाएगा। इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है दूध, मेरे पास दूध एक्स्ट्रा था तो मैंने वो डाल दिया, नहीं है आपके पास तो मत डालिएगा क्योंकि मिठाई तो ऐसे भी बन जाएगी बिना दूध के भी। तो चलिए क्योंकि मिठाई वाला फ्लेवर जो है मिल्क पाउडर था मेरे पास तो वो मैंने डाल दिया, अगर आप इसमें कोई फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आधा कप दूध लिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये लीजिए जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा इसे चलाते हुए पका लेंगे। चलिए मैं इसे चला करके पका लेती हूँ पहले अच्छी तरीके से, देखिए एकदम गाढ़ा पेस्ट हो गया है ना तैयार एकदम मिठाई का। तो इसे और पका लेते हैं अच्छी तरीके से जब तक ये पैन छोड़ने ना लगे, तब तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए और चलिए इससे जब तक ये पकता है इसकी तैयारी कर लेते हैं इसे सेट करने की। आप इसे प्लेट में भी सेट कर सकते हैं लेकिन मेरे पास एक टिफ़िन था तो मैंने इसे में ये पेपर रख दिया है बटर पेपर और उसे फैला दिया। बटर पेपर से क्या होता है आसानी हो जाती है हमें मिठाई निकालने में। तो आप थाली पे या प्लेट पे किसी पे घी लगा कर उस पर भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये टिफ़िन था तो मैं इसी में सेट कर लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर आया है इसका, ये देखिए वाओ एकदम जैसे कलाकंद होता है ना उस टाइप का ये बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए जब तक मैं ये तैयार करती हूँ सेट करती हूँ आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, पास में ही बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो आप प्लीज़ कीजिएगा क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो चलिए ये देखिए अच्छे तरीके सेट हो गया है, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं चलाते हुए। ये देखिए एकदम चिपचिपा सा हो गया है ना बिल्कुल, ये लीजिए मैंने गैस पे से नीचे उतार लिया और इसे थोड़ा सा चलाते हुए ठंडा कर लेंगे। वाओ मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है, तो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने इसमें से एक चम्मच निकल करके खा लिया है। ये लीजिए ये ठंडा हो गया है हल्का सा, अब मैं इसे सेट करने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, खाने की तो बात ही मत कीजिए, मेरे पास अक्सर इस तरह के सब बच जाता है ना तो मैं बस यही मिठाई बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो मुझे ये इतनी अच्छी लगी मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अक्सर क्या होता है हम देखते हैं कि मिठाई में हम क्या बनाएं जो झटपट से बन करके तैयार। चलिए ये मैंने इसको रख दिया है ऊपर से, इस पर बटर पेपर ढक देंगे ऊपर से भी जिससे कि ये सेट हो जाए और इसे
बंद करके अच्छे तरीके से सेट होने के लिए रख देंगे। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीजर में, या फिर आप इसको नॉर्मली इसी तरीके से किचन में छोड़ सकते हैं, ये सेट हो जाएगा। चलिए मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ और इसे ढक करके अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। और ये लीजिए मैं रख देती हूँ इसे फ्रीज़र में, तो एक आधे एक घंटे में, एक से डेढ़ घंटा लगेगा, ये सेट हो जाएगी। ये देखिएगा, मैं एक से डेढ़ घंटे के बाद में दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी ये सेट हो गई है। अब मैं इसको बटर पेपर को निकाल लेती हूँ। ये देखिए बटर पेपर हमें इसलिए ईजी होता है, हम इसको आसानी से उठा सकते हैं। और देखिए काट में ही आपको इतना मज़ा आएगा ना, ये देखिए कितने मलाईदार एकदम ये हमारी मिठाई बनकर के तैयार, आपको काटने से ही पता चल रहा होगा। तो आप अपने मनपसंद डिज़ाइन में इसे कट कर सकते हैं, मैं तो सिंपल तरीके से इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए एक ही बार में मैंने चाकू लगाया, वो एकदम से कट के जा रहा है, और बीच में से एक और कट कर देंगे तो ये लीजिए बड़े बड़े पीसेस हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे मिठाई के। वाओ, यकीन मानिए फ्रेंड, जब ये मैंने पहली बार बनाई थी ना तो मुझे देखते ही इतनी पसंद आई थी, मुझे बनाने में बहुत मज़ा आया था। ये देखिए एकदम परफेक्ट, और कलर देखिए कितना प्यारा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं। ये देखिए, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये घी से निकला हुआ है तो इसमें घी ज़्यादा होगा, बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। जो घी एक्स्ट्रा होता है ना वो हम निकाल देते हैं जब इसे चीनी के साथ पकाते हैं ना, तो उसको निकाल दीजिएगा। और ये लीजिए इस तरीके से हमारी ये बर्फ बन करके तैयार हो जाएगी। मिल्क पाउडर डाला है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है इसके अंदर। तो चलिए ये देखिए मैंने इसको सर्व कर दिया है, प्लेट कर दी है, और अब मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी ये कितनी ये लीजिए देखिए एकदम दानेदार हमारी मिठाई बन करके तैयार है। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।